नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हरदोई पुलिस ने पंचायत चुनाव में खपत कराने के लिए आई नकली शराब समेत 8 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया और इनके पास से 60,000 रुपए और 3 लग्जरी वाहन भी बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी संडीला के पर्यवेक्षण में हरदोई जिले में अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के क्रम में कासिमपुर पुलिस व स्वाट सर्विलांस टीम ने आबकारी निरीक्षण संडीला व सदर द्वारा मुखबिर की। सूचना पर कासिमपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पौली बाबा मंदिर बेहंदर खुर्द पुलिया के पास से 8 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर इनके पास से दूसरे राज्य हरियाणा की 60 बोतल और अंग्रेजी शराब इंपैक्ट ब्रांड की 25 पेटी देशी शराब, फाइटर ब्रांड की 1125 पौवा, 2 पेटी शराब देसी व विंडीज ब्रांड के कुल 90 पौवा और क्यूआर कोड रैपर ढक्कन 60,000 रुपए और 3 लग्जरी गाड़ियां बरामद कर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार यादव ने बताया कि थाना कासिमपुर में पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध शराब बना करके सप्लाई करते हैं। इस संबंध में कासिमपुर थाना अध्यक्ष, स्वाट टीम प्रभारी और एसओजी प्रभारी व आबकारी निरीक्षक संडीला और हरदोई द्वारा इन लोगों को पौली बाबा मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से भारी मात्रा में देशी और अंग्रेजी शराब के रैपर ढक्कन और 3 गाड़ियां भी बरामद हुई हैं। 60,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। थाना कासिमपुर में पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो है अवैध शराब नकली जो है बना करके सप्लाई करते हैं। इस संबंध में कासिमपुर थानाध्यक्ष, स्वाट टीम प्रभारी और एसओजी प्रभारी तथा आबकारी निरीक्षक संडीला और हरदोई, इन लोगों ने पौली बाबा मंदिर के पास 8 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से भारी मात्रा में देसी शराब, अंग्रेजी शराब, रैपर और ढक्कन तथा 3 गाड़ियां बरामद हुई हैं। इनकी जो तलाशी ली गई, इनके पास से 60,000 रुपये बरामद हुए हैं। इस संबंध में मुझे बताना है कि ये लगातार इसमें सूचना पुलिस को मिल रही थी कि लोग जो है दारू ला करके उसको अपनिश्चित करके क्षेत्रों में बेच रहे हैं। पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है। इसमें एक जो व्यक्ति है समद मिश्रा, इनके खिलाफ 9 मुकदमे पंजीकृत हैं इस तरह के, और इनका एक बहुत अच्छा लंबा खासा इतिहास है। इसमें जो बरामदगी है वो 60 बोतल अंग्रेजी शराब है। पंचायत चुनाव से रिलेटेड सर क्या कार्रवाई की गई है? इसमें ये पूछताछ में पता चला है कि ये लोग ला करके अपनिश्चित करके पंचायत चुनाव में इसकी खपत करते, और इस बात की तस्दीक जो है पूछताछ में हुई है और इसी को देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई की है। इसमें जो है 25 पेटी देसी शराब और QR कोड, रैपर, ढक्कन और 60,000 रुपये जो शराब बिक्री के वो बरामद हुए हैं। इसके अलावा 3 जो शराब को ले जाने वाले वाहन हैं, 3 वाहनों को भी पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस ने एक अच्छा काम किया इसमें।